सुनो भाई सुनो रे सुनो। देखिए सम्मान के पात्र बुजुर्गो तथा मेरे हम उम्र साथियों, ये बड़े अहोभाग्य हैं आज नोएडा सेक्टर 11 की इस भूमि के जहां ये टूर्नामेंट हो रहा है। ऐसा टूर्नामेंट जिसमें बहुत बहुत से बड़े बड़े कलाकार जैसे सतपाल, मास्टर ब्रह्मपाल, ऋषिपाल जी और रसिया सम्राट भी हैं रामोतार शर्मा जी। हाँ तो दोस्तों, अब आपके सामने सबसे पहले दो रागनी लेकर आ रहे हैं मास्टर ब्रह्मपाल बरोला। जी हाँ, मास्टर ब्रह्मपाल प्रेमियों, मैनेजमेंट कमेटी के आदेश के अनुसार ये दो रागनी मैं आपको सत्वान सावित्री के किस्से से सुना रहा हूं और ये पहली रागनी मेरी उस मौके से के जब राजा अशुपति को अपनी बेटी सावित्री के योग लड़का नहीं मिलता है तो राजा अशुपति अपनी बेटी को खुद अपना पति वरण करने की अनुमति दे देते हैं। तो सावित्री अपनी सखी सहेलियों के साथ रथ जुड़वा करके तरह तरह के आभूषण रख करके चल देती है, तो बड़े बड़े शहरों में घूमती है और बड़े बड़े देहातों में घूमती है, परंतु जब सावित्री को अपने योग लड़का नहीं मिला तो वो जंगल की तरफ प्रस्थान कर देती है। तो सुना भी है कि जंगल में बड़े बड़े ऋषि मुनियों की संतान बड़ी तेजस्वी होती है, तो इस संदर्भ को लेकर के सावित्री चलती है। तो ये रागनी उस मौके से कि जब बनखंड में सत्वान लकड़ी काट रहा था जिस पेड़ पर, उसके नीचे सावित्री अपना रथ रुकवा देती है। जब एक दूसरे की नजर एक दूसरे से मिली तो सावित्री सत्वान को देख करके मोहित हो गई, क्योंकि रूप कुछ सतपाल दौसा वालों की तरह था। तो उसको देखकर जब मोहित हुई तो सत्वान घबरा गया कि ये उस राजा की लड़की ना हो जिसके बनखंड में मैं लकड़ी काट काट करके अपना गुजारा कर रहा हूं। तो देखा है समाज में आपने कि छोटा आदमी बड़े आदमी को खुश करने के लिए उसके मुंह पे बड़ाई करता है। इसी संदर्भ में सत्वान सावित्री को बड़ा मानते हुए उसके रूप व गुणों की किस तरह बड़ाई करने लगता है। चमके लागे तेरी चंद्रमासी श्यान में, क्यों फिरे भटकती जंगल बियाबान में। ओ चमके लागे तेरी चंद्रमासी श्यान में, क्यों फिरे भटकती जंगल बियाबान में। ओ चमके लागे तेरी चंद्रमासी श्यान में, क्यों फिरे भटकती जंगल बियाबान में। तेरी हो बियाबान में, ए कोयल ते भी मीठी बोली होगी पार जगारे में, हुई रूप की शीतलता जन चंदा चांद शिखरे में, हुई रूप की शीतलता जन चंदा चांद
बिहारी के सारे में अलड़ी मरे नदान लगे तू न गई पिया के घरे में अलड़ी मरे नदान लगे पिता ने संगवा हो पिता ने संगवा रखी बंद मकान में सद हवा लाग जा इस बाली मरे नदान में चमके लागे तेरी चंद्रमा शान में कुछ इस तरह प्रशंसा करने लगे एक केले वर्गा गात पात तेरा गैल हवा की हाले सौ सौ बड़ तेरी पड़े कमर में तू मुर्गाई सिचाल सौ सौ बड़ तेरी पड़े कमर में तू मुर्गाई सिचाल हिरनी के बच्चे की तरिया पलक निंगान डाले त्याग साधना ते सदे शरीर में तू नाहक अग्नि बाले त्याग साधना ते सदे शरीर में तू रे नाहक अग्नि बाले रे नजर झुका ले रे हो नजर झुका ले अरे चल रे जान में ऋषियों के स्थान में चमके लगे तेरी चंद्रमा शान में क्यों फिर भटकती जंगल बियाबान में चमके लगे तेरी चंद्रमा शान में क्यों फिर भटकती जंगल बियाबान में हो के हारे बंदे घनी गरीबी तो रहे बनी पर काम नहीं मेरे गंदे सर घनी गरीबी तो रहे बनी पर काम नहीं मेरे गंदे हवन की खातर तोड़ लाकड़ी भजन करण के धंधे मैं बेटा सतवान एक लातो मात पिता मेरे अंधे मैं बेटा सतवान एक लातो मात पिता मेरे अंधे मंदे मंदे हो भाई मंदे मंदे असर हुआ मेरे पान में जादू ले रही में बड़ा सतवान में चमके लागे तेरी चंद्रमा शान में क्यों फिरे भटकती जंगल पिया पान में छोरे 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 शान में क्यों फिरे भटकती जंगल पिया पान में ¡Gracias!
रात्रि सत्वान की तरफ देखे जा रही थी तो सत्वान को अपने पिछले दिन याद आ गए और सत्वान ने भी सोचा कि इससे कम से कम तू अपना पता इसका पता पूछ ले, चाहे ये मेरे धंधे को भी बंद करवा दे, परंतु पता जरूर पूछना चाहिए। तो किस तरह से आखिरी कली में किस राजा की किस राजा की छोरी कही है दिखे सुबह नसीला तेरे लत्ते चाल तू रथ में बैठी है कोई जबर वसीला तेरे लत्ते चाल तू रथ में बैठी है कोई जबर वसीला हम जंगली ना आवे बोलना। देखिए एक बात और है मास्टर रामकुमार जी, इस तरह से सत्वान कहता है हम जंगली ना आवे बोलना तू मत ना करियो गिल्ला प्रेम पुजारी राम रतन करे कवताई कहला प्रेम पुजारी राम रतन करे कवताई कहला रटिल्ला हो गया रे हो टिल्ला हो गया नामी सुर्खी तान में भाई सीख का छोरे गावे हिंदुस्तान में चमके लागे तेरे चंद्र मासी शान में क्यों फरे भटकती जंगल बियाबान में चमके लागे तेरी चंद्र मासी शान में क्यों फरे भटकती जंगल बियाबान में तेरी हो बियाबान में। सुनो भाई सुनो रे, देखिए कितने अच्छे सुरों में एक रागिणी सुनाई है मास्टर ब्रह्मपाल जी ने, और अब एक रागिणी और इन्हीं की आवाज में सुनेंगे आप, और इसके बाद ऋषिपाल खदाना। जी हाँ, ऋषिपाल खदाना तैयार है भाई। साथियों ऐसी बात है कि मैनेजमेंट कमेटी का आदेश है कि ये जो रागिणी होंगी वो सत्वान सावित्री के किस्सा में से सुनानी पड़ेगी आपको, तो इस वजह से मैं अगले राउंड में आपकी फरमाइश को पूरा करूंगा और इस समय मैं आपको सत्वान सावित्री की रागनी सुनाने जा रहा हूं। और रागनी मेरी उस मौके से के जब सावित्री सत्वान को अपना पति मान के घर वापस आ जाती है तो उसके पिता अश्वति पूछते हैं कि बेटी तू अपना पति चुनकर आ गई। तो सावित्री बड़ी खुशी दिल से बता देती है और साथ में जैसे ही सत्वान का नाम बताती है तो नारद मुनि अश्वपति से कहते हैं कि राजा साहब ये लड़की तो अनर्थ करके आई है, कि क्या कि ये कैसे पति को चुनकर आई है जो खुद दर दर के भिखारी हैं। और सबसे खतरनाक बात ये कि सत्वान की आयु केवल एक वर्ष बकाया और है। खैर सावित्री अपने निर्णय पर अटल रहती है और सत्वान सावित्री की शादी हो जाती है। उस दिन को देर नहीं होती आते हुए जो कि आयु सत्वान की आयु का आखिरी दिन था। उस दिन सावित्री भी सत्वान के साथ वनखंड में लकड़ी काटने के लिए चली गई तो यमराज अपने समय पर सत्वान के प्राण लेने के लिए आ गए और जैसे ही प्राण लेकर चलते हैं तो सावित्री यमराज के पीछे पीछे हो लेती है। इस रागनी में यमराज और सावित्री की बहस होती है किस तरह से और इसी रागनी में किस युक्ति किस तरीका से सावित्री अपने पति सत्वान के प्राण यमराज से छुड़ाती है। ध्यान मान मत करे री रंज में काया ले सा
अत्रील कहना मान, उतने दिन जीवेगा बंदा जितने उसका अंजल पान। पति प्रेम ने त्याग दियो अब परमेश्वर में ला के ध्यान। पति प्रेम ने त्याग दियो अब परमेश्वर में ला के ध्यान। सावित्री कहती है औरत की खातर दुनिया में पति भगवान होते, बिना पति के औरत कोया सर्वस जग बिरान हो से। परमेश्वर बिन मानस का केर दुनिया में स्थान हो से। परमेश्वर बिन मानस का केर दुनिया में स्थान हो से। हारी हो से कर्मों का संजोग भोगना पड़े गया लिखा जो पाया। सावित्री से यमराज कहता है, और सावित्री जवाब देती है, भाई देखिए इस बात को ध्यान से सुनिए, शोर मचाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये मेरी आखिरी रागनी है इस राउंड की, वजह से बिल्कुल शांति से सुनते रहिए, अगर शोर मचाओगे तो बिल्कुल आनंद नहीं आएगा बिल्कुल भी। जब सावित्री इस तरह कहती है कि तो मेरे ईश्वर को ले जा रहे हैं आप अपने साथ में, तो उसके बाद सावित्री फिर भी पीछे लगी रहती है, तो यमराज क्या कहते हैं दूसरी कली में, न माने तो वचन भरा ले मन के चाहे कर दूंगा, सत्वान के सिवा मांग तेरी खाली झोली भर दूंगा, दुनिया की अनमोल चीज तेरे खातर ला के धर दूंगा। अरे दुनिया की अनमोल चीज तेरे खातर ला के धर दूंगा। महाराज अगर अनमोल ही चीज देना चाहते हैं तो दीजिए। अंधे सा ससुर मेरे कुछ उनका पूरा काज करिए, शत्रु के बल लूटा हुआ उनका वापस राज करिए, मेरे पिता को पुत्र दे सर उनका ऊंचा ताज करिए, मेरे पिता को पुत्र दे सर उनका ऊंचा ताज करिए, होरी करिए घर पे बैठी तुम आजरी, तेरी माँ रोज तेरे अमृत जा बरसाया ली सावित्री कर हंसराज भाई। सावित्री इतने वचन और वरदान लेने के बाद भी यमराज के पीछे लगी रहती है, तो यमराज को क्रोध आ गया, परंतु सावित्री की जिद को देख करके एक बात और कह देता है कि सावित्री तू सत्वान के सिवा एक वरदान और ले ले, और उसके बाद तुझे घर लौट जाना होगा। सावित्री कहती है तो महाराज अगर वरदान ही देना चाहते हैं तो दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, तो यमराज एकदम क्या कह देता है, जिक्र चलावे के पुत्र तेरे, जिक्र चलावे के पुत्र ते कुछ दिन पाछे करेगी प्यार, ऐसी दौलत पावेगी
तेरे कुल देवों का हो सत्कार, सारे झगड़े मेट दिए तेरे री, अब तो हो घर को तैयार। सारे झगड़े मेट दिए महाराज, झगड़े तो मिट दिए परंतु एक बात, हे प्रभु कह चले आप, मैं पुत्र दान में पाऊंगी, सास ससुर बेटे के संग में जीवन राग चलाऊंगी, पर बिना पति के बता कहां मैं पुत्रवती हो जाऊंगी, पर बिना पति के हारे होगी यम की मती, विपरीत रे विपरीत जीत में पाला सती ने लाया ली सावत्री। सावित्री की बात को सुन के मास्टर जी यमराज सहम दहम रह गया और क्या सोचने लगा, सहम दहम यमराज हुआ, बाद में कर था ध्यान, सोच सोच हैरान बनता मैं कैसा हो गया अज्ञान, हार मान चला सावित्री से वो सत्यवान के देखे प्राण, हार मान चला सावित्री से सत्यवान के देखे प्राण, हो ध्यान करे मेरा मैं पाले अज्ञान, जान कुकरम ते अलग हटारा भाई। दोस्तों सुनो रे सुनो, देखिए आप सभी भाइयों को मैं बता दूं कि ऋषिपाल खदाना जो हैं उनके टेकिया अभी तक नहीं आए, इसीलिए ये कमेटी का निर्णय है कि रामोतार शर्मा, जी हाँ रामोतार शर्मा आकर के यहाँ दो रागनी सुनाएंगे। दोस्तों जिस तरीके से ख्याल बदलते हैं कवि के, उसी तरीके से ख्याल बदलते हैं सुनने वालों के। मुझे मेरे दिल ने ये प्रेरणा दी कि जीवन के रस को तू लबे जाम कर ले, किसी संत ने दी आवाज मुझको, भाई भजन राम का तू सुबह शाम कर ले। फिल्म दारा सिंह की जो देखी तो सोचा यार तू तो दुबला बहुत है, कुछ व्यायाम कर ले। सुबह जो उठा तो बिस्तर ने पुकारा, अबे कहां चल दिया है, कुछ आराम कर ले। किसी संत ने दी आवाज मुझको, भाई भजन राम का तू सुबह शाम कर ले। फिर असलियत यूं बोली, भाई जमाना बुरा है, अंटी में अपनी तू नगद दाम कर ले। दिल यूं बोला भाई संभल के चला कर, भविष्य का भी कुछ सरंजाम कर ले। फिर नशे की पिनक में लहर ने पुकारा, भाई मोहब्बत में अपने को तू बदनाम कर ले। लेखनी यूं बोली तू कविता लिखा कर, ये जीवन है नस्वर तू यूं ही नाम कर ले। पिताजी यूं कहते हैं बे उल्लू के पट्टे, तू बेकार फिरता है कोई काम कर ले। तो लीजिए दोस्तों अब आपके सामने रामोतार शर्मा जी हैं। आदरणीय मैनेजमेंट कमेटी और सभी सुनने वाले दोस्तों, माता बहनों और बुजुर्गों, मैनेजमेंट कमेटी ने जो ये दो बातें मुझे सुनाने के लिए बुलाया है, इसमें पहली बात आज मैं उस मौके से सुनाऊंगा कि आज जमाना
कितना बदल गया है और हर नौजवान की अलग अलग फरमाइश है। सो दोस्तों, हरियाणा के मशहूर कवि श्री मेहर सिंह जी ने इस रागनी में क्या लिखा है, सुनिए। क्या बात भाई? अरे न्यू बोलिया अपनी अपनी पसंद जमाना, भाई जने के चावे से। अरे इसे दुनिया का रंग ढंग देख मन चक्कर सा आवे से। अपनी अपनी पसंद जमाना जन के सुनना चावे से। दुनिया का रंग ढंग देख मन भाई हसरत सा आवे से। अपनी अपनी पसंद जमाना जन के सुनना चावे से। दुनिया का रंग ढंग देख मन हसरत फरमाइश की के भाई दादा लक्ष्मी चंद की सुना दे, लेकिन दूसरे ने कहा कि नहीं मशहूर सैंग चंद्र लाल की सुना दे। मैं किस किस की फरमाइश पूरी करूं? कि बताया पहली कली में ओए कोई कहे से, भाई कोई कहे से लक्ष्मी चंद की रीत पुरानी गाजे। देखिए कोई कहे से उस चंद्र लाल की दिल में तरज सुना दे। ओए कोई कहे से सत्रह अठारह अरे नौ दो ग्यारह गा दे। पर कोई कहे उस नौ टंकी के फूल तोड़ गला दे। रे कोई कहे से रे कहे से के गावे यो ते ब्रथा मुह बारिया से। दुनिया का रंग ढंग देख मन हसरत साया वे से। अपनी पसंद जमाना जन के सुनना चावे से। दुनिया का रंग ढंग देख मन भाई हसरत दुनिया का रंग ढंग देख मन हसरत साया वे से। ओ भाइयों और दूसरी गली में क्या बताया अरे कोई कहे से साच बता क्यों ब्याह के ले गया काना। भाई पूरण की मौसी ने पूरण क्यों पड़ गया मरवाना। ओए कोई कहे से सही ढंग का बढ़िया गा दे गाना। पर कोई कहे से समय लकड़ जा तेरे पाछे पछताना। रे कोई कहे फिर रोटी पाड़ता, कोई कहे फिर रोटी पाड़ता यो किसका गाना गावे से। के गार्याम हरी नहीं समझ में आई रे। कोई कहे से समझ ना आता, कोई कहे से समझ ना आता यो कैसी ताल लावे से। दुनिया का रंग ढंग देख मन हसरत साया वे से। अपनी अपनी पसंद जमाना जन के सुनना चावे से।
दुनिया का रंग ढंग देख मने अतरज साया वे और आखिर में एक एक लाइन सुनने लायक क्यों कर कहानी बनी बला ओए कोई कहे से भई कोई कहे से ओह जे रात में तू रांद काट के धारे दे तन जुटी ले ली श्याबसी अज सांग फेर के कर दे ओए कोई कहे से खड़ी सामने मारे मीरा बाई कर दे एक जाट मेरे संग गावनिया किस किस का पेट भर दे रे एक योत उठ भाई एक योत उठ न्यू बोला के मेरा घंटा गावे से दुनिया का रंग ढंग देख मने अचरज साया वैसे अपनी पसंद जमाना के सुनना चाहवे से दुनिया का रंग ढंग देख मने अचरज साया वैसे दुनिया का रंग ढंग देख मने अचरज हाँ जी सुनो भाई दूसरी बात जी हाँ बिल्कुल पाश्चात्य सभ्यता में रंगी हुई दूसरी बात ये रामोतार शर्मा से जी हाँ वो हुस्न भी क्या हुस्न है जिस हुस्न के अंदर प्यार ना हो वो प्यार भी क्या प्यार है जिस प्यार में इंतजार ना हो। दोस्तों यौवन के कगार में रंगी हुई एक नौजवान हसीना सादरे में खड़ी हुई है और एक रिक्शा वाले से इस बात के द्वारा क्या कहने लगी सुनिए पंडित रामोतार शर्मा दोस्तों इस रागणी में एक नौजवान लड़की यूपी बॉर्डर पे आ जाती है और एक रिक्शा वाले को बुलाकर उससे क्या कहने लगती है सुनिए इस रागणी के द्वारा अरे भाइयों देखो परली तरफ चंदा कैसेट वाले बोल बैठे होंगे उन्हें कह दियो स्टेज के पास आ जाओ मैं जरा रे रेक साया ले रेक सा जल्दी त्यार करिए खुशामंद करने लगी क्यों कर न्यू बोली रे रेक साया ले रेक सा जल्दी त्यार करिए मन जाना दिल्ली शहर रमत नावार करिए हो जल्दी प्यार करिए ओ रिक्शा याले रिक्शा जल्दी प्यार मन जाना दिल्ली शहर गणी दिना वार करिए हो बहुत अच्छे एक कहन लगी पहली कली में भाइयों एक एक लाइन सुनने लायक दिल्ली का मैं सहरा करूं यूं मन में विचार आई सोयों को उस पैदल साली इस मंजिल ने मार लई आगे चलना बस की कोन्या भैया की सुहार लई आगे चलना बस की कोन्या भैया की सुहार लई जल्दी हाँ कर रिक्शा गहनी देर न लग गये तू गद्दी ऊपर बैठ पैंडल जोर से घूमिए तू हो जागा एहसान तेरा दिल्ली में पहुँचिए तू हो जागा एहसान तेरा दिल्ली में पहुँचिए तू अरे पीछे कितने ही ले लिए मत इनकार करिए मन जाना दिल्ली शहर गणना वार करिए हो रिक्शा जल्द
भाइयों, रुपया बाद में दियो, पहले गाना सुन ले। शहादरे ने पार करके जमुना का पुल सारा देखो, ऊपर चले रेल बीच मोटरा का लारा देखो, सबसे नीचे बहती हुई जमुना जी की धारा देखो, सबसे नीचे बहती हुई जमुना जी की धारा देखो। शाहजहां का किला कौन सा उसे देखना चाहूं मैं, लेके टिकट गेट के अंदर आगे कदम बढ़ाऊं मैं, कैसे है रंग ठाट महल में सब पे नजर दौड़ाऊं मैं, कैसे है रंग ठाट महल में सब पे नजर दौड़ाऊं मैं। और इतने में ना रे, इतने में ना आऊं, खड़ा इंतजार करिए मन जाना दिल्ली शहर दरियागंज की तैयारी करूं, गोल चा सिनेमा देख टिकट की होशियारी करूं, जगत सिनेमा मछली वाला दिल की दूर बीमारी करूं, जगत सिनेमा मछली वाला दिल की दूर बीमारी करूं। लाल कुए की ओर सुन ले, लाल कुए की ओर सुन ले, लाल कुए की ओर सुन ले, करके मैल सेठ जांगी सिक्की आड़े कांजी होज करके पूरा ढेट जांगी, सीताराम बाजार देख फिर यद मेरी गेट जांगी, सीताराम बाजार देख फिर यद मेरी गेट जांगी। अरे तुरकवान डीलैक्स ने दल दी पार करिए मन जाना दिल्ली शहर जे बागी लाल किले के सामने की कहने लगी भला, घंटा घर मलके की मूरत, घंटा घर मलके की मूरत जाने कितनी दूर से, चांदनी चौक देखने का मुझको बड़ा गरूर से, पर फतेहपुरी की मस्जिद मुझे देखनी जरूर से, फतेहपुरी की मस्जिद मने देखनी जरूर से। देखे मजा के सुनरा की होशियारी देखो, करे से बड़ाई दुनिया न्यू बाजार किनारी देखो, मजिस्ट्रेट सिनेमा जुबली घूम घाम सारा देखो, अरे मैं ते देखो फिल्म में खड़ा इंतजार करिए मन जाना दिल्ली शहर मतना। आखिर में क्यों कर कहानी बनी वाला, ओए जामा मस्जिद स्याही चीज, जामा मस्जिद स्याही
समय पत्थर लाल लगा। बीच के गुमद में एक झाड़ फनूस कमाल लाग्या, अलविदा पढ़ने का मौका क्रीम बक्स बेताल लाग्या। भाई जामा मस्जिद स्याही चीज जिसमें पत्थर लाल लाग्या, बीच के गुमद में एक झाड़ फनूस कमाल लाग्या, अलविदा पढ़ने का मौका क्रीम बक्स बेताल लाग्या। अलविदा पढ़ने का मौका क्रीम बक्स बेताल लाग्या। तेरा चुकता करूंगी मैं चुकता करूंगी, हिसाब पाई ना उधार करिए। मन जाना दिल्ली से रिक्शा जल्दी तैयार करिए। मन जाना दिल्ली शहर मरना वार करिए। रिक्शा वाले रिक्शा जल्दी तैयार करिए। तो भाइयों देखो शोर नहीं करना बिल्कुल भी। अब आपके सामने शिरोमणि स्वर्गीय पंडित रघुनाथ जी के शिष्य पंडित मास्टर राम कुमार शर्मा जी, माननीय कमेटी और सभी पब्लिक के आग्रह पर आपको दो गाने अपने मनपसंद सुनाएंगे और किस प्रकार से आप सभी को शांति का दान देना है। तो आइए मास्टर पंडित राम कुमार शर्मा जी। फरमाशी रागनी है जरा ठोक के सुनाई है बिल्कुल कत आनंद आ जाना चाहिए। सब बिगड़े गुरु के चेले भैया। जी हाँ बुजुर्गो, नौजवान साथियों, दो बात आपके सामने हकीकत के इतिहास में से सुनाई जाएंगी। लाहौर में नवाब साहब की अदालत दर्शकों से खचाखच भरी हुई अदालत दोस्तों, हुक्म क्या होगा ये सुनने की आकांक्षा से दिलों की धड़कन और श्वासों की आवाज भी रुक जाती है। नवाब साहब अपने इंसाफ को इस कदर फरमाते हैं, दरख्वास्त के कुल हालात को पाक अकल के दरमियान रखते हुए कुल गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखकर अदालत ने सालिम वाकात पर गौर फरमाया। कुल मिलान से और इस सरे हुक्म को करार देकर अदालत हुक्म फरमाती है कि मुल्जिम को महजूम इंसान के दरमियान कत्ल कर दिया जाए। मुल्जिम महजूम की जान बख्शीश की जा सकती है बशर्ते वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले। इसके लिए 24 घंटे का समय है। अगर वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता तो निश्चित रूप से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सगे संबंधी रिश्तेदार दोस्तों, पहुंचते हैं हकीकत के पास और ये कहते हैं जिंदगी बड़ी अनमोल है मेरे लाडले, तू मुसलमान बन जा कम से कम जीवित तो रहेगा। लेकिन धर्म के कगार में रंगा हुआ वो हिंदुस्तान का दीवाना जिसकी केवल 14 वर्ष उम्र थी सबको यथोचित उत्तर देता है और यूं कहता है, जान नहीं अगर तीन लोग का राज भी ये बख्शेंगे तो मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। अंत में हकीकत की मां अपने लाडले के पास पहुंचती है, अंतरात्मा तरफ जाती है मां की बेचारी असहाय मां अपने इकलौते लाडले पुत्र हकीकत से इस बात के द्वारा क्या कहने लगी। तेरी बच जागी जान मेरी बात लिए मान, तेरी
बचे जाग जाने मेरी बात लिए मान पर दूरे बन जा मुसलमान कोई नाराज नहीं मेरे लाल मेरे लाल तेरी बचे जाग जाने पर तेरी बचे जाग जाने मेरी बात लिए माने पर दूरे पड़ जा मुसलमान कोई आराज नहीं मेरे लाल मेरे लाल तेरी बचे जाग जाने मेरी बात लिए माने तेरी बचे जाग जाने मेरी बात लिए माने पर दूरे बन जा मुसलमान कोई आराज नहीं मेरे लाल और है माया कर किला मिला हुआ मनुष्य जन्म मुश्किल से रे करते जबां तरांगा जी का जी मजबी मतलब हिले से रे घायल की गति घायल जाने के पूछो कातिल से रे तू बेशक मजब दूसरा कर ले मैं भी चाहूं दिल से रे तू बेशक मजब दूसरा कर ले मैं भी चाहूं दिल से रे है यो दिल से ढक्या पहाड़े जग में नीची कर ले नाड़े है यो दिल से ढक्या पहाड़े जग में नीची कर ले नाड़े है सबरे ना समझी किराड़ी और कोई दराज नहीं मेरे लाल मेरे लाल तेरी बचे जाग जाने मेरी बात लिए माने तेरी बचे जाग जाने मेरी बात लिए माने पर तू हो जा मुसलमान कोई नाराज नहीं मेरे लाल के दो नामों की हाँ दो नामों की रे चीज एक है मजा कहो पर मिदा कहो हिंदी उर्दू अरबी फारसी किसी को मदना विदा कहो शलील कहो चाहे शरबत कह दो आप कहो या छुदा कहो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को मदना जुदा कहो हिंदू मुस्लिम सिख किसी को मदना जुदा कहो उसे खुदा कहो चाहे राम अनहुद वो ही है इस्लाम उसको खुदा कहो चाहे राम अनहुद वो ही है इस्लाम समझ कर जहर भरा हुआ जाम पीना फराज नहीं मेरे लाल मेरे लाल तेरी बचे जाग जाने मेरी बात लिए माने तेरी बचे जाग जाने मेरी बात लिए माने पर तू हो जा मुसलमान कोई फराज नहीं मेरा जी डाटे से
यूं कहने लगी, मेरे लाल, मेरे चांद, मेरे बछड़े, मेरे हकीकत, अगर तू जिंदा रहेगा तो मेरी आत्मा में सिलक सी रहे, और अगर तू इस दुनिया से चला गया तो ये लोग मुझे मानस के हनी खेकर पुकारेंगे। किसी भी तरीके से तो सबर नहीं आता, क्या बोली भला? बिके जी डाटे से रे डटता कोन्या, मेरा जी डाटे से डटता कोन्या, हारा हृदय डरा हुआ, पता नहीं जन पिछले जन्म में पाप कौन सा करा हुआ, सबर करे थे आता कोन्या, दुख छाती में भरा हुआ, मैं मर जाऊंगी इसी फिक्र में, तेरा बाप भी मरा हुआ, मैं मर जाऊंगी इसी फिक्र में, तेरा बाप भी मरा हुआ। हरा भरा हुआ है रे बांग जग में, क्या कहा? देखिए दोस्तों, माँ और बेटे के प्यार की चिंगारियां ज्वालामुखी पर्वत की तरह फूट फूट के सामने आ जाती है। क्या कह रही है वो? हरा भरा हुआ है रवांग जग में पूरा पुत का दाग, हरा भरा हुआ है बाग जग में पूरा पुत का दाग, लगरी मेरे मोह ममता की आग, और कोई मरज नहीं मेरे लाल, मेरे लाल तेरी बच्चे जाग जाने, नाराज नहीं मेरे लाल। और चौथी कली में हमारे पूज्य गुरु शिरोमणि रघुनाथ, दोस्तों ध्यान से, अल्फाजों की तो कीमत होती है, वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें, ना वक्त रहा ये वक्त ही की बात होती है, हर बात की बात को बात नहीं कहते दोस्तों, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। क्या लिखा वाला? दिखे ठंडी ओरे, दिखे ठंडी ओरे तपत में प्राणी, रूप देख ले रे जो घी का, ठंडी ओर तपत में प्राणी, रूप देख ले जो घी का, मात पिता को बिन बेटे के सब संसार लगेंगे फिकार, जिसके लगे वो ही जाने और ने पता नहीं सीखा, रंग रघुनाथ राग झिंग ताना शब्द सही भाषा टीका, रंग रघुनाथ राग झिंग ताना शब्द सही भाषा टीका, है जीते जी का मेल जग में है काया का खेल, है सब जीते जी का मेल जग में है काया का खेल, मारी चले बंसी और बेल, मजब की गरज नहीं मेरे लाल, मेरे लाल तेरी बचे जाग जान में, पर तूरे बन जा मुसलमान, कोई हराज नहीं मेरे लाल।